इस चीज़ को मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि जब से वो आए हैं पैरा स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे आप 2016 से ही देखो जो बूम करा है पैरा स्पोर्ट्स ने, वो उनकी वजह से ही हुआ है। चाहे वो रियो के बाद हो, चाहे वो टोक्यो हो, चाहे पेरिस हो, जितना उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, मतलब एबल बॉडीड से भी ज़्यादा रहा है, उन्होंने इतना इंक्लूसिव बनाया है पैरा स्पोर्ट्स को, उतना किसी ने भी नहीं बनाया। और रही बात, वो हमें मित्र की तरह हमेशा इसलिए काम आए हैं क्योंकि वो अच्छे समय में भी हमें टॉप्स के थ्रू सपोर्ट होता था, और बुरे समय पे भी। बुरा समय मतलब ये नहीं, मतलब जैसे इंजरी हो चाहे कुछ भी हो, तो उनकी वजह से हेल्प मिलना टॉप स्कीम से, NCOE से, खेलो इंडिया से। तो मेरा एक वो था कि सब लोग खिलाड़ी कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे, तो मैंने सोचा था सबसे डिफरेंट बोलूं, क्योंकि एक जो अच्छी चीज़ हो और एक अच्छा मैसेज है पूरे देश में, तो मैंने मतलब ये सोचा था। जब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा था सॉरी जब मैंने बोलना स्टार्ट करा था, पहले तो मेरी तरफ देख रहे थे, और मैं उन्हें पहले से भी मतलब कई बार वो नाम से जानते, तो अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैंने बोला, क्योंकि शायद मुझे नहीं लगता वो 12 साल के, मतलब अभी 8 साल के करियर में उनके प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने किसी ने ऐसे बोला होगा। तो जैसे ही मैंने बोला, उन्होंने बोला वाह, उनको एक नया शब्द मिला। और मैंने कल देखा वो पूरा वायरल ट्रेंडिंग, मेरे पास बहुत लोगों के वो आए, और उन्होंने हर जगह PM का वर्ड मीनिंग उसमें अपने इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, वहाँ उसमें मेरा इंट्रो भी लगाया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। उनका मेन है कि हमारा इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन बने, स्पोर्ट्स जितना ज़्यादा हो, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइफ के अंदर। और लोग जो इंडिया के हैं वो ज़्यादातर एजुकेशनल और नौकरियाँ की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो ये है कि अगर आप खेलोगे भी तो खेलों में भी स्कोप है। तो उनका यही कहना है कि अगर आप इसमें जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा आपको, आप वर्ल्ड लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप इंडिया में ही सिर्फ या तो एजुकेशन हो या जॉब्स हो, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई ज़्यादा आसान है या ये है। देखो पढ़ाई वाले भी 18 घंटे पढ़ते हैं, UPSC की जो तैयारी करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं और वो लगते हैं, और क्योंकि पढ़ाई करना भी इज़ नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि मैं अभी CA कर रहा था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और जो ये बातें भी ऐसे लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई तो बहुत आसान है, स्पोर्ट्स इतना आसान नहीं है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें उनसे हो ही नहीं सकती वो चीज़ कभी ज़िंदगी में, वो कर भी नहीं सकते। एंड पढ़ाई इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, एंड स्पोर्ट्स इज़ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें होती है वो आउट ऑफ सिलेबस आती है, और उनकी जो चीज़ें होती है वो सिलेबस के दायरे में आती है। तो ये चीज़ है।